जय हिंद। ये सीडीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में भी आया हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आपको तीन सर्कल्स दिए गए हैं, सबका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, और तीनों सर्कल्स को ऐसे रखा गया है कि उनके आगे पीछे जब एक बैंड लगाया जाता है, तीनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इनके आगे पीछे जब बैंड लगाते हैं उस बैंड की लेंथ निकालने को कहा गया है। तो इट इज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चनों में से एक नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट डायग्राम समझने पर ही है। ठीक है जी, उसको समझते हैं। देखिए, 10 सेंटीमीटर अगर इसका डायमीटर है तो 5 सेंटीमीटर रेडियस होगा, यहां से यहां तक 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 आ गया, ये फिर 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, यहां तक फिर 5, यहां तक फिर 5, 5 5 5 5 5 और 5। ये तो क्लियर हो गया यहां पे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो ये 60 डिग्री आ गया, ये 60 और ये 60 हो गया। ठीक है, अब इतना एरिया जो है, इतना एरिया हमारा हमें क्लियर हो जाता है, राइट। अब अगर रबड़ बैंड लगाया जाएगा तो रबड़ बैंड यहां से लेके यहां तक टच करेगा, और इसके बाद यहां से टेंजेंशियली छूट जाएगा, तो यहां से यहां तक का जो एरिया होगा वो टेंजेंट बन जाएगा। फिर इसके बाद यहां से यहां तक का एरिया फिर सर्कल को टच करता रहेगा, उसके बाद फिर ये एरिया जो है यहां से यहां तक का जो लेंथ है, ये लेंथ जो है ये टेंजेंशियल हो जाएगी, इसके बाद फिर ये इसको टच करेगा। तो ये कुछ हिस्से जो है वो आर्क लेंथ कितना हो गए, कुछ लेंथ जो है वो स्ट्रेट लाइंस कितना हो गई। ठीक है, ये रेड वाले पार्ट जो है आपके, ये स्ट्रेट लाइंस कितना हो गए, और येलो वाले जो मैंने बाहर बनाया है ये आर्क लेंथ कितना हो गए। अब आर्क लेंथ निकालने के लिए पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रेड वाला पार्ट कितना है। ठीक है, अगर आपको पता है यहां टेंजेंट बना हुआ है, तो ये टेंजेंट जो होता है इट इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, दोनों रेडियस भी बराबर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। सो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में ये 90 90 आ गए, इसका मतलब है कि ये ए पेयर ऑफ इंटरनल पेयर्स बना रहे हैं, जैसे ये लाइंस पैरेलल होगी तो एक लाइन पैरेलल भी आ गई, इक्वल भी आ गई। अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट पेयर को पैरेलल और इक्वल प्रूव कर देते हैं तो पैरेललोग्राम बन जाता है, और जिस पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री आ जाता है वो रेक्टेंगल हो जाता है। रेक्टेंगल होने का मतलब है ये 10 है तो ये भी 10 होगी, इस तरह ये भी 10 आ गई और ये भी 10 आ गई। अब ये 30 तो हमें लेंथ मिल गई, अब येलो पार्ट निकालना जरूरी है। ठीक है, येलो पार्ट निकालने के लिए हम एंगल्स को पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एंगल्स कैलकुलेट कैसे होते हैं देखते हैं। ये एंगल हमारा निकला था 60, राइट, ये एंगल निकला था, ये सेंटर हमारा 60 निकला था, ये हमारा निकला था 90, ये भी निकला था 90, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, तो 360 में से 60 60 और 90 निकाल देंगे तो पीछे बच जाएगा 120 डिग्री, तो ये एंगल मिल गया हमें। अब हमारे को आर्क लेंथ भी पता है, तो सेक्टर बन गया ये, तो एरिया ऑफ सेक्टर लगेगा थीटा बाय 360 इंटू पाए, हम आर्क लेंथ दे रहे हैं तो 2π आर लगाएंगे। ठीक है, थीटा आ गया 120 बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू है वही रहने देते हैं, और रेडियस आ जाएगा 5। सो ये और ये कट गया, 12 3 से 36, 5 2 से 10 बिकम्स 10 बाय 3π। सो ये अब एक लेंथ आ गई 10 बाय 3π, ये भी आ गई 10 बाय 3π, और ये भी आ गई 10 बाय 3π।
सारी आंकलन हमें मिल गई तीनों। अब टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 30 प्लस 10 बाय 3 पाई इनटू 3, ये हो गया कट गया, इट बिकम्स 30 प्लस 10 पाई, ये आंसर आएगा। सारा का सारा कंसेप्ट एंगल्स के समझने में और लगाने में है। अगर एंगल समझ पाएंगे आप, फिगर समझ पाएंगे तो क्वेश्चन निकल जाएगा। अगर फिगर्स नहीं समझ पाएंगे तो नहीं निकलेगा। और ज्योमेट्री में जब भी हायर मैथ्स आएगा, 9th-10th मैथ्स का कॉम्बिनेशन होगा, आप सेपरेट कर ही नहीं पाएंगे। अलजेब्रा मेंसुरेशन से अलग नहीं होता, मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री से अलग नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री से अलग नहीं होगी, आप सेपरेट कर ही नहीं पाएंगे। यूनिट्स सारे यूनिट्स कंट्रोल होंगे तो ही आपकी कंबाइंड क्वेश्चन जो आएंगे वो निकल पाएंगे। वैसे हम आपकी हेल्प करने के लिए आई हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय।